नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी अस्थियां चांद की सतह पर विश्राम कर रही हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी खोजों के लिए तथा मानवता और विज्ञान के प्रति उनके योगदान के लिए सदियों तक नहीं बल्कि युगों तक याद किया जाएगा। ऐसे ही कुछ वैज्ञानिकों में यूजीन मर्ले शूमेकर शामिल है। यूजीन कई अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है। 28 अप्रैल 1928 को जन्मे यूजीन 20वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें 1992 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश द्वारा विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। यूजीन ने दूर से यानी पृथ्वी पर रहकर चंद्रमा का काफी अध्ययन किया, लेकिन वह अक्सर एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने और चंद्रमा की सतह पर चलने का सपना देखते थे। हालांकि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का कभी मौका नहीं मिला। एक गंभीर बीमारी ने उनके अंतरिक्ष यात्री बनने की उम्मीदों को कुचल दिया, लेकिन साल 1997 में उनकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना, सपने कभी मरते नहीं। यूजीन की मृत्यु के बाद नासा ने उनकी अस्थियों को चांद पर भेज दिया और इस तरह वे बन गए दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान की अस्थियां चांद पर दफन है। यूजीन शूमेकर एक नाम जो अब चांद पर अमर हो गया है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने और आकांक्षाएं कभी भी असंभव नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।